ये उनका यात्रा अस्तित्व बचाव यात्रा है। अब आरजेडी का अस्तित्व खतरे में है, एसपी जी का अस्तित्व खतरे में है, अस्तित्व बचाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। बिहार की जनता, देश की जनता मोदी जी के साथ है। पूरे बिहार में मोदी जी का लहर चल रहा, करंट चल रहा है। आने वाले चुनाव में आंधी तूफान आएगा, ये दिखेंगे नहीं। इस समय 23 में 40 में 39 एनडी विजय हुआ था, 40 भाजपा एनडी विजय होगा और इंडिया का गठबंधन होगा। फिर सरदार भाई मोदी चार सौ इकबाल खत्म होने की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया, अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। नीतीश कुमार के अधिकारी सारी बात सुन रहे हैं। मैं याद कराएंगे 2005 की सरकार में बनी और आज की सरकार इतना आगे बढ़ रहा है बिहार जाकर के, उनके प्रयास से आज बिहार बदल रहा जाकर के। बिहार गड्ढे का बिहार था, अंधेरे का बिहार था, बिहार में जंगल आज हुआ करता था, तो नीतीश कुमार के अगुवाई में ही बिहार बदला है। और भाजपा का सहयोग रहा, भाजपा के हमारे माननीय सुप्रीम कुमार मोदी हूँ और तमाम जो हमारे साथी माननीय मंत्री थे, वर्तमान में सम्राट चौधरी जी हैं, ये सिन्हा जी हैं, सब समझकर डबल इंच का सरकार लगा के ये बिहार में बिहार बदल रहा है, बिहार विकास को आगे बढ़ रहा है। नीतीश जी का और रुतबा बढ़ा है। नियोजित शिक्षकों को लेकर क्या कुछ कर रही है एनडीए सरकार? लगातार नियोजित शिक्षक समक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, ऐसे में क्या कर रही है सरकार? सरकार ने एक मौका दिया है, पहले तीन का मतलब सरकार ने 5 अवसर दिया करके है और हम चाहेंगे इसको अपील करना चाहेंगे जाकर के निश्चित तौर पर, और सरकार का सहयोग का हमेशा मिला, शिक्षकों का मिला जाकर के, और आगे भी प्रयास होगा कोई कठिनाई को न हो जाकर के। एक सामान्य परीक्षा जाकर के है, लंबा को अनुभव 20 सालों का जाकर के है। मैं समझता हूँ परीक्षा तैयार देने के लिए जाकर के और ऐसे सरकार ने और मौका बढ़ा दिया करके है, सारे के सारे लोग दृढ़ हो जाए करके उन परमानेंट सरकार का प्लान है राजकर्मी का दर्जा देने का, सरकार आज भी तैयार आज भी है। शैक्षिक पोस्टिंग को लेकर भी सरकार कुछ कर रही है, क्योंकि इसको लेकर भी लगातार सवाल है। ऐसे शिक्षकों से बात हुई है जाकर, शिक्षकों का सम्मान कर रहे हैं, उनके हर सुझावों का हर बातों का हमारी सरकार ख्याल रखे। देखिए हमारे